जय श्री राम भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आंजने में। आज सुनते हैं पुण्यदायी रमा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसको करने की क्या विधि है तथा इससे क्या फल मिलता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुजुकुंद नाम का एक राजा था। इसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बहुत ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। और इस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था, और उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। और फिर एक दिन शोभन अपनी ससुराल आया। उन्हीं दिनों में पुण्यदायी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और उसके पिता राजा मुजुकुंद ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी प्रकार से भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच जाए, नहीं तो भूखा रहने से तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय, ये सब भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते, तो फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहेंगे तो अवश्य ही ये व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, फिर तो मैं अवश्य ही इस व्रत को करूँगा और जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। और इस प्रकार का विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और उस दिन वो भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण करने का समय आ गया, वो समय जो सभी वैष्णवों को अत्यंत खुशी देने वाला था, परंतु शोभन को वो समय बहुत ही दुखदायी हो गया, क्योंकि उससे जागरण नहीं हो रहा था, उससे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। उसकी मृत्यु होने के बाद राजा ने सुगंधित लड़की से उसका दाह संस्कार करवाया, लेकिन चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद भी अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह भवन बहुत ही सुंदर रत्नों व धूर्यमणि जटित स्वर्ण के खम्भों से निर्मित था। अनेक प्रकार के स्फीटक मणियों से उस भवन की बहुमूल्य शोभा बढ़ रही थी। वहाँ बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से युक्त छवर विभूषित गंधर्व और अप्सराएं भी थी। वहाँ सिंहासन पर आरूढ़ ऐसे शोभायान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुजुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। और ये सोचकर वो उसके पास गया, शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर वो उसके पास आया और उसे प्रणाम करके कुशल होने का प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुजुकुंद और आपकी पत्नी कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है, आप अपना वृतांत हमें बताएं कि जो सुंदर नगर कभी किसी ने नहीं देखा ना ही सुना हो, वो आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण ने कहा,
हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और ये कैसे स्थिर होगा, आप मुझे बताइए। मैं इसके लिए उपाय अवश्य करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंड की कन्या चंद्रभागा को यह सब बता दें तो यह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या फिर स्वप्न बता रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के सामान उनका एक नगर भी देखा है और उन्होंने कहा है कि ये नगर स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे भी वहाँ ले चलो, मुझे अपने पति के दर्शन की लालसा हो रही है। मैं अपने के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप कोई ऐसा कार्य करिए जिससे उनका और हमारा सहयोग हो सके, क्योंकि योगी को मिला देना महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर चंद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी का व्रत करने से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आता देख शोभन बहुत प्रसन्न हुए और उसे बुलवाकर उसने अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय आने के अंत तक यही रहेगा और इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का माहात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल आंजनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।